उसी टैंक के सामने ह्यूमन शील्ड तैयार की जा रही है। देखिए जब स्थिति ऐसे आ जाती है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचता, फिर ऐसे स्थिति में खुद दीवार यूक्रेन की जनता बन रही है और लगातार रूसी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये पहले ही कह चुके हैं कि आपको हमारे साथ आना होगा, हमें आपकी मदद चाहिए। और इसी कड़ी में अब यूक्रेन की जनता, यूक्रेन की सेना का, यूक्रेन के राष्ट्रपति का साथ देते हुए रूसी टैंकर्स के आगे, रूसी टैंकर्स के सामने ह्यूमन शील्ड बनकर तैयार हो रही है। ये बता रही है कि अगर आप हमारे गोला बारूद हथियारों को नष्ट कर रहे हैं, आप अगर यूक्रेन को बर्बाद करने की मंशा से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आपके खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। यूक्रेन की आम जनता हथियार पहले ही उठा चुकी है। दो दिन पहले जो तस्वीरें आई, 10,000 राइफल्स यूक्रेन की जनता को बांटे गए थे, लेकिन अब खुद मैदान में हर कोई आ रहा है। एक और वीडियो हमने आज देखा था, एक 21 साल का लड़का किस तरीके से अपने देश की हिफाजत के लिए मैदान में आ चुका था और वो ये कह रहा था कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। इससे पता चलता है कि देखिए यूक्रेन की जनता अपने देश की सेना के साथ है। वहां पर जो हालात है उनको ये समझ आ रहा है कि मिलकर लड़ना है और साथ ही साथ रूस को, राष्ट्रपति पुतिन को मुंह तोड़ जवाब देना है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, सुमी से मिल रही है। सुमी में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। रूसी सेना ने सुमी पर बमों की बारिश की है। रूसी सेना के हमले में सुमी शहर बर्बाद हो चुका है। हमले में जलकर कई इलाके राख हो चुके हैं और वो दर्दनाक तस्वीरें लगातार सुमी से देखने के लिए मिल रही है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सुमी के लोग रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात यूक्रेन में पैदा हो जाएंगे। तो किस तरीके से जो तस्वीरें सुमी से शहर से सामने आ रही हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि शहर जलकर राख हो रहे हैं, क्योंकि रूस एक के बाद एक शहर को लगातार बर्बाद कर रहा है और कब्जे की मंशा से आगे बढ़ रहा है। रूसी सेना ने सुमी पर बमों की बारिश की है। तस्वीरें भयानक हैं, तस्वीरें भयावह हैं। लोग खौफ में हैं, वो यूक्रेन को छोड़ना चाहते हैं। लंबी लंबी कतारें बॉर्डर्स पर नजर आ रही हैं। लोग 60-60 घंटे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रूस उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तबाही का ये मंजर आप देखिए, सुमी की ये तस्वीरें हैं जो बता रहा है कि किस तरीके से पूरे के पूरे शहर को रूस ने तबाह कर दिया है, रूस ने बर्बाद कर दिया है। एक सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ रूसी सेना नजर आ रही है, लेकिन जो यूक्रेनी सैनिक है वो रूसी जवानों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम अपने देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। इतना ही नहीं, आम नागरिक भी मैदान में आ चुके हैं, जंग के मैदान में वो खड़े हैं और लगातार रूस को वो कड़ा जवाब दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, देर रात किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, जनता खौफ में है, यूक्रेनी नागरिक साए में है। यूक्रेन में आम लोग बड़े पैमाने पर पेट्रोल बम बना रहे हैं ताकि रूसी हमलावरों को खाक कर सकें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले से लोहा ले रही यूक्रेन की सेना के साथ ही वहां के आम लोगों से भी हथियार उठाने की अपील की है। अब इसका असर भी यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में साफ दिख रहा है। कीव में वॉलंटियर्स को जहां 18,000 मशीन गने दी गई ताकि वो रूसी सैनिकों से मोर्चा ले सकें, दूसरी तरफ यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पेट्रोल बम बनाने की जानकारी भी शेयर की। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आम लोग मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम बनाएं और हमलावरों को निशाना बनाएं। अब इसका असर दिख रहा है और आम लोग बड़े पैमाने पर पेट्रोल बम बना रहे हैं और कई जगहों पर पेट्रोल बम से रूसी टैंकों पर ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन किसी कीमत पर रूस के सामने हथियार नहीं डालेगा।
एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, रोवेनकी में भी रूसी विमानों ने कहर बरपाया है। रोवेनकी में तेल डिपो पर रूसी वायुसेना ने हमला किया है, इस तेल डिपो को उड़ाया है। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक तेल डिपो को नष्ट यहां पर रूसी सेना करती हुई यूक्रेन की नजर आ रही है, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान कैसे यूक्रेन को पहुंचाया जाए इसके लिए आप एक एक जगह को चुन चुन कर ये हमला किया जा रहा है। रोवेनकी में भी रूसी विमानों ने कहर बरपाया है।